हाँ सो मैं युवराज सिंह ठाकुर आपका एक नए नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को भोपाल से 28 किलोमीटर दूर एक बहुत ही अच्छी जगह लेके जाऊँगा, जिस जो कि एकदम नेचर के बीचों बीच है, एकदम नेचुरल जगह है वो जगह। जैसे कि मैंने आपको बताया भोपाल से 28 किलोमीटर दूर है, तो ये आ गई है भोपाल की बॉर्डर जो सही ख़त्म होती है। ये एक्चुअली मैं अभी होशंगाबाद रोड पर हूँ, जो अपन कह सकते हैं बेस्ट प्राइस जिस जगह से जाते हैं होशंगाबाद रोड वाला, वो वाले रोड पे हूँ मैं, इसी रोड से जा रहा हूँ। अब मैं आगे जाके आपको जब उस जगह पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पे जाके आपको जगह इंट्रो दूँगा, कब बनी थी, कैसे बनी थी, क्या वजह है उसके, ये सब मैं आपको आगे जाके बनाऊँगा। तो आप व्लॉग पर बने रहिए, स्टे ट्यून। चैनल भोपाल व्लॉगर। सो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं भोजपुर। भोजपुर अपने शिव मंदिर के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस शिव मंदिर की विशेषता यह है कि सबसे पहला, यह एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है शिव मंदिर में, जिसकी हाइट 11 फीट है। दूसरा, इस मंदिर को एक ही रात में बनाया गया था, जिसकी वजह से इसका निर्माण कार्य आधा रह गया है। ना ही इसके ऊपर का जो ऊपर की जगह है वो पूरी हो पाई है, ना ही इसका गेट बना है। तो गाइस, और ये 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था। ये मंदिर बेतवा नदी के ऊपर स्थित है और यह एशिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक शिवलिंग है। और जो ये मंदिर है, ये मंदिर का हिंदू टेंपल में से सबसे बड़ा जो एंट्री गेट था वो इस मंदिर का है। तो अभी तो मैं पहुँच चुका हूँ भोजपुर के थोड़े पहले पे ही हूँ, तो आइए इस जगह के आसपास का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है। और चलिए इसके बाद फिर हम चलेंगे भोजपुर। भोजपुर जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ का नज़ारा कैसा है, क्या है वो मंदिर कैसा है। हाँ तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं भोजपुर। जैसे कि आपको सामने वो ऊपर भोजपुर का मंदिर दिख भी रहा होगा। अभी मैं पुल पे चल रहा हूँ, इस पुल के नीचे से बेतवा नदी निकलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेतवा नदी के ऊपर भोजपुर स्थित है। तो अब दिखाता हूँ आपको वहाँ चल के। हाँ तो अब अपन आ चुके हैं भोजपुर, मैंने अंदर एंट्री ले ली है। तो अब मैं ऊपर जाके आपको पूरे भोजपुर मंदिर के शॉट्स दिखाता हूँ।
तो गाइज ये था भोजपुर का शिव मंदिर जो कि मैंने आप लोगों को घुमाया। अब यहाँ से अपन जा रहे हैं शिव पार्वती मंदिर की तरफ। मैं लेके आऊँगा आपको शिव पार्वती की मंदिर की तरफ, दिखाऊँगा वहाँ पे कैसा क्या। ये जो अभी भी ये भोजपुर के इधर वाला एरिया है, ये पीछे पूरा भोजपुर का एरिया है और नीचे यहाँ पे बेतवा नदी का मतलब बेतवा नदी निकल रही है जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि सब पड़ता ही है वहाँ पे आसपास। चलिए आपको शिव पार्वती मंदिर का और दिखा देता हूँ।